अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऐसे में हम पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान, जहां हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ सर? पप्पू पटेल नाम पड़ेगा मेरा। क्या देखते हैं आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया? आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक का पल हुआ और ये जो आज आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट, इससे लोगों में विश्वास जगा कि न्यायालय सबसे प्रथम होती है। न्यायालय जो भी करता है सब सभी के हितों में कार्य करता है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी कि आपने हिंदुत्व की रक्षा की और हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखा। तो आपको क्या लगा कि मतलब समरसता की भावना तो जगी है ना? यह एक बनी हुई है और लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है कि हाँ, समाज में एक न्यायालय न्याय है, न्यायालय के द्वारा जो फैसला होता है वह मान्य होता है। कहना है कि मतलब एक सार्वभौमिक फैसला आया है सबके लिए, बहुत ही उत्साहित फैसला आया है, लोग खुश हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता बनी हुई है, ठीक है। इसे कोई अखंडता नहीं। आपका नाम बताएं सर? बिपिन सिंह। और क्या लगता है आपको आज के फैसले के बाद से, क्या आपको लग रहा है? ये बहुत ही सराहनीय फैसला रहा है जी, और हम माननीय उच्च न्यायालय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि दोनों पक्ष के समक्ष फैसला आया है और इससे भाईचारा हिंदू मुस्लिम की एकता अखंडता को ठेस नहीं पहुंचेगा और भाईचारा बना रहेगा जी। अब तक आपने सुना कि अब तक ये लोगों का कहना है कि भाईचारा बने रहेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। अब हम और लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या राय रखते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अयोध्या मामले को लेकर, क्या आप सोच रखते हैं, क्या उसमें नजरिया? हम तो ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है एक हो जाएं और उनका एकता बन जाए जी, और सब लोग भाईचारा बना रहे, सब लोग खुश रहें। तो इससे पहले जो इतना लंबा प्रक्रिया चली इसकी कोर्ट का, उसके उसके लिए मानना ये है कि उस पर अभी मामला पे जो है अभी बहस चल रही है और उसका फैसला अभी तक नहीं आया, जब आ जाएगा तो उसका जो हम बता देंगे फिर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद हुआ। सर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अयोध्या मामले को लेकर, उस पर आप क्या अपना विचार रखते हैं, क्या सोच रहे हैं? अच्छा, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है वो तो देश के हित में दिया है। इसमें ना कोई जाति या कोई धर्म या कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारी जीत और हमारी हार है। और ये बहुत दिनों से विवादित जो चल रहा था वहाँ राम जन्मभूमि का, तो जो सुप्रीम कोर्ट आज जो क्लियर किया है वो तो देश के हित में किया है और अच्छा किया है। सर ओवैसी का कहना है कि हमें 5 एकड़ ज़मीन देकर खुश कर दिया गया है, हमें वो जगह चाहिए थी, राम जन्मभूमि का जो वो विवादित ढांचा वो हिंदुओं को दे दिया गया, जबकि वो चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। इस पर क्या मतलब तो विरोध कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायालय ये जजमेंट आना था जी, तो कोई भी संप्रदाय के लोग यही बोल रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्याय आएगा जी मैं स्वीकार, दोनों चाहे वो किसी जाति का हो स्वीकार करेंगे, और जो कोर्ट जो फैसला दिया है वो दोनों जाति या समुदाय के हित में दिया है। सर क्या अपनी राय रखते हैं अयोध्या मामले को लेकर? सर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जनता के हित में है और बहुत ही अच्छा फैसला है जी, बस यही कहना चाहूँगा। ऐसे में बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि मंदिरों के लिए तो फैसला आया ही, ठीक है हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं, मगर इसी तरह के फैसले स्कूलों के लिए आएँ, हॉस्पिटलों के लिए आएँ, इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये बात सत्य है, जिस तरह से हमारे मस्जिदों और मंदिर का जो फैसला आया है और इस पर सरकार ये सर्वोच्च न्यायालय जो है एक्शन लिए, इसी तरह से क्विक एक्शन होना चाहिए स्कूलों और अस्पतालों में। जसवी यादव ने कहा है कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है मतलब मंदिरों को बनाने को लेकर, उसी तरह से हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए थे, इस पर आपके क्या राय है? देखिए उनका भी बहुत ही अच्छा राय है, जैसे मंदिर बन रहा है उस तरह से अगर हॉस्पिटल बन जाए जी तो वो भी बहुत ही अच्छा और नेक काम है। जैसे हम लोग मंदिर के लिए आम जनता और ये लोग लड़ रहे हैं, वैसे अगर हॉस्पिटल के लिए लड़ा जाए, स्कूल के लिए लड़ा जाए तो वो और अति उत्तम रहेगा, इसलिए कि लोगों के हित में वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जी जी। और ये जो मामला है मंदिर मस्जिद ये सब दिखावा और राजनीति की एक पहलू है। तेजस्वी की भी बात सही है, हॉस्पिटलों में भी सुविधा होनी चाहिए, स्कूलों की भी बढ़िया सुविधा होनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। मंदिर मस्जिद तो बने ही, साथ ही साथ ये कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ ताकि बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। क्या नाम है सर आपका? मनीष चंद्र।
सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अयोध्या मामले को लेकर, क्या उसमें आपको लग रहा है, क्या है नया? बहुत सराहनीय फैसला आया उनका जी, और जो भी फैसला दिया है बहुत देश के हित में दिया है जी। ओवैसी का बयान आया है कि 5 एकड़ जमीन देकर वो कुछ है। अरे ओवैसी तो ऐसा ही बहुत बात बहुत चीज़ बोलते रहते हैं, कोर्ट में भी बोलते हैं और लोकसभा में बोलते हैं, लेकिन जो जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उनको मान लेना चाहिए उन्हें भी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर इस तरह के मामले? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। तो इनका मामला है कि ये एक सौहार्दपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेकर एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, दोनों के लिए ज़मीन दी गई है, जिससे कि दोनों एक तो अपना मंदिर बना सके, दूसरा अपना मस्जिद बना सके। बिहारी न्यूज़ के लिए रतन सेन भारती की रिपोर्ट।